उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया अतीक अहमद का ऐसा कांड जिसको सुनने के बाद लोगों का सिर चकरा जाता है, लोगों का दिमाग हिल जाता है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे अतीक अहमद का कुछ ऐसा भयानक कांड जिसको जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अतीक अहमद का जन्म होता है साल 1962 में इलाहाबाद के चकिया इलाके में एक बहुत ही गरीब परिवार में। बताया जाता है अतीक अहमद के पिताजी तांगा चलाते थे। अतीक अहमद की माताजी भी बहुत ज्यादा गरीब थी, तो बहुत ही गरीब फैमिली से ये बिलोंग करता था। शुरुआती समय से ही इसने गरीबी देखा था। तो बताया जाता है अतीक अहमद ने बचपन में ही फैसला कर लिया था कि हम अपने गरीबी को जड़ से ही मिटा देंगे। और इस तरह से दोस्तों अतीक अहमद बचपन से ही शरारती वाला दिमाग लगाना शुरू कर दिया। बताया जाता है अतीक अहमद जब मैट्रिक का एग्जाम देता है तो एग्जाम में ये फेल कर जाता है। 10th के एग्जाम में फेल करने के बाद अतीक अहमद तभी से ठान लेता है कि ये पढ़ाई लिखाई करने से मेरा जिंदगी बनने वाला नहीं है। और इस तरह से दोस्तों ये अपराध की दुनिया में कदम रख देता है। बताया जाता है अतीक अहमद 17 साल की उम्र से ही आपराधिक काम करना शुरू कर देता है। और दोस्तों ये अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा अपराध करता है जिसको जानने के बाद हर किसी का दिमाग हिल जाता है। दरअसल बताया जाता है 80 के दशक में इलाहाबाद में एक गुंडा होता था, एक कुख्यात बदमाश था जिसका नाम था चांद बाबा। बताया जाता है इलाहाबाद के अंदर चांद बाबा का इतना अधिक खौफ था कि पुलिस वाले भी चांद बाबा से डरा करते थे, पुलिस वाले भी चांद बाबा के नजदीक नहीं जाते थे। यहाँ तक ये भी बताया जाता है चांद बाबा का इतना अधिक खौफ था कि कोई रात को अपने घर से बाहर तक नहीं निकलता। लेकिन दोस्तों जब उस वक्त अतीक अहमद को पता चला कि हमारे इलाके में चांद बाबा का खौफ है, तो अतीक अहमद अपने मन में ठान लेता है कि इस चांद बाबा को सबक सिखाएंगे, इस चांद बाबा को औकात दिखाएंगे। और इस तरह से दोस्तों साल 1989 में अतीक अहमद चांद बाबा को टपका देता है। अतीक अहमद जब चांद बाबा का शिकार करता है, उसके बाद अतीक अहमद का दबदबा और भी अधिक बढ़ जाता है। तब तक में दोस्तों बताया जाता है अतीक अहमद अपना एक बहुत बड़ा गैंग बना चुका होता है और ये तब तक में लगभग 70 से 80 अपराध भी कर चुका होता है। तो इस तरह से अतीक अहमद का नाम जो कि धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब फाइनली दोस्तों साल 1989 में बताया जाता है अतीक अहमद जो कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ता है और पहला चुनाव में ही इसे जीत मिल जाता है। और इस तरह से 3 बार ये विधायक भी रहता है, बाद में 1996 में सांसद भी बनता है। अब दोस्तों फाइनली साल 2004 में अतीक अहमद की जिंदगी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आता है। साल 2004 में इलाहाबाद सीट से चुनाव था, विधायक का चुनाव था, लेकिन उस वक्त अतीक अहमद जो कि सांसद बन चुका था, तो अतीक अहमद नहीं चाहता था कि इलाहाबाद सीट से कोई और चुनाव जीत जाए। इस तरह से अतीक अहमद अपने भाई अशरफ को चुनावी मैदान में उतारता है। और दोस्तों अतीक अहमद के भाई अशरफ के विपक्ष में होता है राजू पाल। साल 2004 में राजू पाल उस चुनाव को जीत लेता है। और चुनाव हारने के बाद अतीक अहमद पूरी तरह से बौखला जाता है और इस तरह से ये फैसला करता है कि ये राजू पाल का मर्डर ही करवा देगा। और इस तरह से दोस्तों 25 जनवरी 2005 को अतीक अहमद अपने विपक्षी राजू पाल को गोलियों से भुनवा देता है। दिन दहाड़े राजू पाल का मर्डर कर दिया जाता है। और राजू पाल की मौत के बाद चारों तरफ बवाल मच जाता है, क्योंकि आपको बता दूं राजू पाल उस वक्त का वर्तमान विधायक था। इलाहाबाद के वर्तमान विधायक का जब हत्या करा जाता है, उसके बाद चारों तरफ बवाल मच जाता है, हड़कंप मच जाता है और चारों तरफ अतीक अहमद का चर्चा होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस मामले में दोस्तों बाद में अतीक अहमद को गिरफ्तार करा जाता है। अब फाइनली दोस्तों अतीक अहमद का एक और कहानी आता है जो कहानी कि लोगों के दिमाग को हिला कर रख देता है। अब दोस्तों फाइनली आता है साल 2012 और ये जो कहानी है, इस कहानी को जानने के बाद हर किसी का सिर चकरा जाता है। आपको बता दें अतीक अहमद उस वक्त जेल के अंदर बंद था और दोस्तों जेल के अंदर से ही ये चुनाव लड़ने का डिसीजन लेता है। ये फाइनली प्लानिंग करता है कि जेल के अंदर से ही चुनाव लड़ना है, लेकिन जेल के अंदर से चुनाव लड़ने के लिए इसे कोर्ट से आदेश लेना पड़ता। तो अतीक अहमद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाता है कि उसे जेल के अंदर से ही चुनाव लड़ना है, लेकिन कोई भी जज अतीक अहमद के पक्ष में फैसला सुनाना ही नहीं चाहता है। दरअसल बताया जाता है 10 जज जो कि इनकार कर देते हैं, वो अतीक अहमद के पक्ष में फैसला सुनाते ही नहीं है। 11वां जज जो कि अतीक अहमद के पक्ष में ही फैसला सुनाते हैं। तो फाइनली दोस्तों अतीक अहमद को चुनाव लड़ने का मौका मिल जाता है। जज जब आदेश देते हैं कि हाँ जेल के अंदर से चुनाव लड़ा जा सकता है, तो इस तरह से अतीक अहमद जेल के अंदर से ही चुनाव लड़ता है। लेकिन साल 2012 में बताया जाता है जिस राजू पाल का इसने साल 2005 में मर्डर करवाया था, उसी राजू पाल की पत्नी पूजा पाल जो कि अतीक अहमद के विपक्ष में होती है। और फाइनली दोस्तों साल 2012 में अतीक अहमद जो कि चुनाव हार जाता है, क्योंकि बताया जाता है अतीक अहमद जब जेल जाता है, जेल जाने के बाद अतीक अहमद के तमाम कांडों के बारे में लोगों को पता लगने लग जाता है। अतीक अहमद के बारे में बताया जाता है जब ये जेल से बाहर था, जिस वक्त ये सत्ता में था उस वक्त ये लोगों के जमीनों पर कब्जा करता था। यहाँ तक कि दोस्तों इसने एक व्यक्ति का जमीन हड़प लिया और उस आदमी को करंट लगाकर दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है अतीक अहमद ने एक व्यक्ति का चमड़ी उधरवा दिया था और दोस्तों उस व्यक्ति का खाल खींच करके उसे मौत के घाट उतार दिया था। तो उत्तर प्रदेश के अंदर इसने कई तरह का कांड करा,
शुरुआती समय में ये चाहता था कि ये गरीबी दूर कर दे। अपने परिवार के गरीबी को मिटाने के चक्कर में इसने ना जाने कितने लोगों को मिटा कर रख दिया, ना जाने कितने लोगों को इसने खाक कर दिया, ना जाने इसने कितने लोगों का जिंदगी बर्बाद कर दिया। वैसे आपको बता दूं, अतीक अहमद के बारे में बताया जाता है इसका अपराध का फॉर्मूला बिल्कुल अलग था। दोस्तों, ये अपराध बिल्कुल अलग तरीके से करता था। बताया जाता है अपने आसपास के लोगों का ये मदद करता, जो भी गरीब होता उन लोगों का मदद करता, लेकिन जो भी पूंजीपति आदमी होता उन लोगों से पैसे ऐंठने में कोई कसर भी नहीं करता था। ये भी बताया जाता है अतीक अहमद जो कि गुलाबी पन्ने में एक चिट्ठी लिखकर भेजता था, जिस चिट्ठी में वो फिरौती वसूलता था, लोगों को धमकी देता था। और दोस्तों, बताया जाता है अतीक अहमद के गुलाबी चिट्ठी का कीमत तकरीबन 5 से 7, 8, 10, 15 लाख, 20 लाख तक होता था। तो लोगों को चिट्ठी के माध्यम से ही धमकी देता था और अतीक अहमद के डर से लोगों को रुपया भी भेजना पड़ता था। तो आपको बता दूं, फाइनली साल 2012 में ये चुनाव हारता है। चुनाव हारने के बाद अतीक अहमद जो कि बौखला जाता है, और पिछले कई वर्षों से अतीक अहमद जो कि जेल के अंदर ही बंद था। अभी दोस्तों हाल ही में प्रयागराज लाया गया था अतीक अहमद से राजूपाल हत्याकांड के मामले में पूछताछ के लिए। और आपको बता दूं, 24 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के अंदर एक भयानक वारदात को अंजाम दिया जाता है। उमेश पाल का हत्या करा जाता है और दोस्तों उमेश पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है। और गोलियों से भूनने वाला कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद के ही गुर्गे होते हैं। हालांकि इस मामले में बताया जाता है अब तक कुछ लोगों का एनकाउंटर भी हो गया है और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी इधर से उधर भाग रहे हैं। तो बहुत जल्द योगी जी उन लोगों का भी एनकाउंटर तो कर ही देंगे जहां तक लगता है। और दोस्तों 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद का साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। 15 अप्रैल 2023 को रात के तकरीबन 10:30 बजे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को रात के तकरीबन 10:30 बजे 3 शूटर जो कि गोलियों से भून देता है। और इस तरह से अतीक अहमद और उसका भाई जो कि मर जाता है। और मरने के बाद आप इस तरह से कह सकते हो अतीक अहमद जो कि एक तरह से मिट्टी में मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से अतीक अहमद ने साल 1962 में पैदा लिया। पैदा लेने के बाद इसने कई तरह का कांड करा। कांड करने के बाद बहुत ज़्यादा धन भी इकट्ठा करा, बहुत ज़्यादा नाम भी बनाया, दबदबा भी बनाया, लेकिन ये नाम, ये धन, ये दबदबा कोई काम का नहीं रहा। अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको अतीक अहमद के कांड के बारे में पता चला होगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों यदि आपको अतीक अहमद के बारे में कुछ भी कहना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।